हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने भारत के नए संसद भवन से पहले भारत के पुराने संसद भवन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अगर दोस्तों आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाकर वो क्लास ज़रूर देख लें ताकि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नया संसद भवन, क्या दोस्तों आप जानते हैं कि संसद भवन का उल्लेख संविधान में किया गया है या नहीं? तो दोस्तों, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है जो अनुच्छेद 79 यानी कि 79 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि संघ के लिए एक संसद होगी और संसद में कौन होगा दोस्तों? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा होगी। ठीक है, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर यह संसद का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि जो नया संसद भवन बन रहा है, ठीक है, जो संसद भवन नया बना हुआ है उसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो दोस्तों, जो नया संसद भवन बना है उसकी आधारशिला 1 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, जो नया संसद भवन बना है उसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और दोस्तों इसका उद्घाटन 28 मई, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था, जो किसने किया था? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों जानते हैं कि जो नया संसद भवन बना है उसका वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों, जो जो नया संसद भवन बना है उसका वास्तुकार था विमल पटेल। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम होगा इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कि इसका वास्तुकार कौन था, इसका उद्घाटन कब हुआ था, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न जरूर बनते हैं, तो आप इस क्लास को अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो नया संसद भवन बना है उसका जो वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। ठीक है, और दोस्तों जो इसका निर्माण यानी कि जो इसका ठेकेदार कौन था? तो इसका ठेकेदार दोस्तों टाटा कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण किससे किसके द्वारा किया गया था? तो टाटा कंपनी के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों जो नया संसद भवन बना है उसका एक प्रोजेक्ट था, तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो संसद भवन बना है उसका प्रोजेक्ट क्या 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 नाम है? तो वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, और दोस्तों दोस्तों जो नया संसद भवन बना है तो ये त्रिभुजाकार में है, तो दोस्तों इसका डिज़ाइन किसने किया था? एस सी पी डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो अहमदाबाद की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, जो नया संसद भवन बना है जो त्रिभुजाकार में, तो इसका डिज़ाइन किस कंपनी ने किया गया था? तो दोस्तों ये अहमदाबाद की कंपनी है। ठीक है, क्या नाम इसका? एस सी पी डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और दोस्तों जो नया संसद भवन बना है तो इस पर कितने रुपये का खर्चा आया था? तो दोस्तों इस पर 970 करोड़ रुपये का खर्चा आया था। कितना आया था इस पर? 970 करोड़ रुपए का खर्चा आया था संसद भवन को बनाने में। ठीक है, और दोस्तों जो संसद भवन बना है उसका क्षेत्रफल कितना है यानी कि कितने एरिया में ये फैला हुआ है? तो दोस्तों ये 64,500 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 64,500 वर्ग मीटर। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं जो संसद भवन है इसका आकार कैसा है। तो दोस्तों जो नया संसद भवन है इसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय, यानी कि दोस्तों इस त्रिभुजाकार का आकार है। ठीक है, इस त्रिभुजाकार आकार का यह संसद भवन बना हुआ है। और दोस्तों जो पुराना संसद भवन था उसका आकार कैसा था? तो दोस्तों जो पुराना संसद भवन था उसका आकार कैसा था? गोलियाकार का था। ठीक है, और नया जो संसद भवन बना है वो कौन सा आकार का है? यह त्रिभुजाकार का है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो नया संसद भवन बना है उसमें लोकसभा के कितने सदस्य बैठ सकते हैं और राज्यसभा के कितने सदस्य बैठ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो लोकसभा के जो सदस्य बैठने की जो क्षमता है वो कितनी है? 888। कौन सी सभा के? यह लोकसभा की संख्या है। ठीक है, और राज्यसभा की जो सदस्यों की बैठने की क्षमता है वो कितनी है? 348। कितनी है? 348, राज्यसभा की 348 और लोकसभा की जो कितनी है? 888। और दोस्तों जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है नहीं है, इन दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक लोकसभा कक्ष में, ठीक है, किसमें? लोकसभा कक्ष में कितने बैठने की क्षमता है इसकी? तो 1272 की है। ठीक है, यानी कि 1272 सीटें इसमें आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों लोकसभा का जो प्रतीक चिन्ह है यानी कि लोकसभा जो कक्ष है उसमें जो प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है वो कौन सा है?
तो दोस्तों ये मोर है, ठीक है। लोकसभा जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? मोर है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, ठीक है। और जो राज्यसभा का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? कमल है। क्या है? कमल, ठीक है। राज्यसभा का जो प्रतीक चिन्ह है क्या है? कमल। अब दोस्तों जो संसद भवन के जो प्रवेश द्वार है वो कितने द्वार हैं? तीन द्वार हैं दोस्तों। ये इसके प्रवेश द्वार तीन है, यानी कि त्रिभुजाकार में, ठीक है। तो इसके द्वार भी कितने होंगे? तीन होंगे। तो पहला जो द्वार है कौन सा है? ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा कर्म द्वार। ये दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों इनसे संबंधित जरूर मुझे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। वो ऑप्शन में दे देगा कि संसद भवन के द्वार हैं वो कौन से है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और एक दोस्तों तीसरा और एक चौथा और कोई और नाम दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा द्वार नहीं है, तो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस संसद भवन के उपलक्ष्य में पीएम ने के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया, क्या क्या जारी किया? 75 रुपये का सिक्का जारी किया, ठीक है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस संसद भवन के उपलक्ष्य में यानी कि संसद भवन को बनकर इसका उद्घाटन हुआ था, उस प्राइम मिनिस्टर ने 75 रुपये का जो सिक्का उसको जारी किया था, ठीक है। और दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी ने जो जो इसका उद्घाटन किया था वो कौन सी मतलब जयंती पर किया गया था? तो दोस्तों जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वीर सावरकर जी, ठीक है, उनकी जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया था। अब दोस्तों जो नया संसद भवन बना है उसमें लिया गया जो कालीन कौन सा है? तो दोस्तों वो कालीन है वाराणसी, ठीक है। वाराणसी जो है इसका कालीन का उपयोग किया गया है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट यानी कि दोस्तों जो हाल ही में जो चर्चा में रहा है सेंगोल, इस सेंगोल क्या है? इस तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सेंगोल एक तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है। सेंगोल क्या है? एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? न्याय का रूप, ठीक है। और दोस्तों जो सेंगोल है इसको इतिहास में चोल साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाला राजदंड का प्रतीक था, ठीक है। ये कि सेंगोल क्या था? चोल साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाला राजदंड का प्रतीक है, ठीक है। तो सेंगोल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। सिंगल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। और दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल लिया था, यानी कि दोस्तों पहले हमारी सत्ता किसके पास थी? अंग्रेजों के पास थी और फिर बाद में हमारे हक में आ गई। तो दोस्तों अंग्रेजों से हमने क्या किया? सत्ता का हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल लिया था, ठीक है। और दोस्तों ये सेंगोल जो है ये लंबे समय तक तो ये कहाँ था? प्रयागराज संग्रहालय में था, ठीक है। जो सेंगोल था ये पहले लंबे समय तक तो ये कहाँ था? तो ये प्रयागराज में था और अब ये संसद भवन के लोकसभा स्पीकर के पास में स्थापित किया गया है, ठीक है। अब ये किसके पास स्थापित किया गया है सेंगोल? तो ये संसद भवन के लोकसभा स्पीकर के पास में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों अब हम जब भी इस तरह की क्लास अपडेट करें तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।